देखो जी, हेतु हेतु मद भूत बोले तो कंडीशनल पास्ट, और थोड़ा सा 2-3 मिनट का ब्रेक देते तो उस पर रिविजन कीजिए, फोकस क्या कीजिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। तो हेतु हेतु मद भूत बोले तो कंडीशनल पास्ट, अब कंडीशनल हिंदी में नहीं भले इंग्लिश में तो समझोगे ना जी, मतलब ऐसा सेंटेंस जिससे कंडीशन का पता चले, या जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मद भूत कहा जाता है। बोले तो कंडीशनल पास्ट, जैसे बोलेंगे ऊ पढ़तलई तो पास भाई जीतलई, मतलब तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो क्या कंडीशन हुआ कि नहीं, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है ये कि नहीं। हाँ, फेल होबे करेगा, पढ़बे नहीं किया, वो पढ़तलई तो पास भाई जीतलई ना, भाई जीतलई कि नहीं, लेकिन ना पढ़ले तो फेल हो गए, है कि नहीं। वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, वर्षा को क्या बोले, बैरखा भेतलई तो चासा बेस भेतलई। तो आप देखोगे कि जो भी यहां पर सेंटेंस दो को देख रहे हो तो पढ़ने और पास हो जाने, मतलब पढ़ोगे तो पास होगे, तो क्या ये पास होना ये पढ़ने पर निर्भर कर रहा है कि नहीं। वर्षा होंगी अच्छी तो फसल अच्छी होंगी, तो फसल का अच्छा होना वर्षा पर निर्भर कर रहा है कि नहीं। तो हेतु हेतु मद भूत का मतलब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करता हो। मैं बीमार रहता तो नहीं खोल पाता, हम बीमार रहतली तो नाय अच्छा नहीं खेल पाता, नहीं खेल पाता, तो हम बीमार रहतली तो नाय खेले पातली। छाता होती तो हम नहीं भींगते, छाता भेले हम नाय भींचतलई। वह मेहनत करता तो पैसा कमाता, ऊ खटतलई तो पैसा कमतलई। मैं बाजार जाता तो मछली लाता, हम पेठिया जैतली तो मछली लानतली। बस मिलती तो मैं पहुंच जाता, गाड़ी मिलले हम पहुंच जितली। लकड़ी होती तो खाना पकाता, काठी भेले खाई पकतैली। पुस्तक क्या भेतले, ठीक है ना, पुस्तक होती तो मैं पढ़ता, किताब रहले या किताब रहतले हम पढ़तले, किताब रहतले हम पढ़तले, किताबें नहीं है तो कैसे पढ़ल जाएगा, है कि नहीं जी। नेक्स्ट,